अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप बिटकॉइन को माइनिंग करके अर्निंग कर सकते हो। इस वीडियो में बेसिकली आपको मैं एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा और उसको कैसे यूज़ करना है वो बताऊंगा, जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। तो जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहो। तो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और उसके साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि मैं जौन सी भी वीडियोज़ फ्यूचर में अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। सेकेंडली, स्क्रेल में अगर कुछ लोगों को डिपॉजिट का मसला आ रहा है या क्रिएशन और वेरीफिकेशन में मसला आ रहा है, तो इन दोनों वीडियोज़ में मैंने उसका गाइड कर दिया, जाके देख सकते हो। तो सीधा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मैं दे दूंगा, इसके थ्रू आप यहाँ पर ज्वाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, रेफरल लिंक है मेरा। ठीक है, तो इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, ये होगा कि मुझे कुछ बोनस मिल जाएगा। ठीक है, तो चाहो तो जा सकते हो इसके थ्रू, नहीं तो डायरेक्ट भी जा सकते हो। ठीक है, वैसे आपका इसमें कोई नुकसान नहीं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपने सीधा इस पे जाके, जैसे कि अभी यहाँ पर मैं एंटर करूँगा, तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सबसे पहले तो साइन अप करना है। ठीक है, जैसे ये लिखा है ज्वाइन अस नाउ। ठीक है, यहाँ पर ईमेल देना है, ईमेल कंफर्मेशन पासवर्ड। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल अकाउंट होता है, इसके बारे में मैं यहाँ पर डिटेल नहीं बताऊँगा, और आपका नॉर्मल एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पर एक अकाउंट है, मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो शुरू में आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये वेबसाइट है क्या और यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हो। तो ये वेबसाइट शॉर्टन लिंक की एक वेबसाइट है। इससे पहले अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस कुछ देखी हो, उसमें मैंने डिफरेंट वेबसाइट्स शेयर की थी जहां पर आप लिंक शेयर करके भी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरी ऐसी मतलब ये एक ऐसी वेबसाइट है, तो यहां पर आप लिंक पेस्ट करके किसी भी वेबसाइट का शॉर्ट करके उसके थ्रू ट्रैफिक ला के भी अर्निंग कर सकते हो। जैसे कि अभी मेरे यहाँ पर $2.7 हुए हैं, मैंने इतना इसको यूज़ नहीं किया, तो ये मेरे सिर्फ लिंक के थ्रू ही हुए हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हो लिंक का भी काम। सेकेंडली, शॉप है यहाँ पर, इसमें देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ आप चीज़ें परचेज कर सकते हो, वैसे हमारे काम का कोई नहीं, इसको आप छोड़ दो। अच्छा, उसके अलावा इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि आप इसको मतलब कि एम्बेड कर सकते हो अपनी वेबसाइट्स में भी। ठीक है, वेबसाइट्स में भी आपके ऐड आएंगी। काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके एडसेंस अप्रूव नहीं होते, तो वो इनकी जो है वो वेबसाइट में अपने यूज़ कर सकते हैं एड्स। ठीक है, तो आपको अर्निंग होगी। अच्छा, सेकेंडली यहाँ पर माइनिंग का भी एक ऑप्शन है कि आप इस पहले नहीं होता था, अब इन्होंने ले आए हैं ये भी, कि आप इस वेबसाइट के थ्रू बिटकॉइन माइन करके भी अर्निंग कर सकते हो। अभी मैं आपको इसके बारे में ही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने माइनर ऐप पे आना है। अगर आप इस लिंक के थ्रू आओगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पर आपने डाउनलोड ऐप पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो मैंने पहले से किया, ये देखो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, इसको हम ओपन कर लेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे, क्लोज करेंगे और दोबारा से मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ डाउनलोडिंग करेगा। ठीक है, कुछ प्रोसेस आपका होगा। सेकेंडली, आप जो माइनिंग है वो सिर्फ लैपटॉप या सिस्टम पे ही कर सकते हो, और सेकेंडली अगर आपका सिस्टम में ग्राफिक कार्ड लगा होगा तो आप अच्छे तरीके से माइन कर सकोगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमें कैसी अर्निंग देगा। मेरे पास अभी जो सा है वो सिस्टम भी अच्छा है, उसके अलावा मेरे पास ग्राफिक कार्ड भी अच्छा लगा हुआ है, तो आपको मैं नेक्स्ट डिटेल्स उसके बारे में बताता हूँ। तो लॉन्च करेंगे इसको, तो यहाँ पर हमें कुछ डिटेल्स शो कर रहा है, इसको छोड़ दो। और सेकेंडली कह रहा है कि सीपीयू ऑन, जीपीयू ऑन। ठीक है, हम दोनों ऑन रखना चाहते हैं, तो नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ डाउनलोडिंग फिर से ये करेगा। ठीक है, 9.3 MB की तो डाउनलोडिंग हो रही है, तो देख लेते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ ये शो कर रहा है कि इस तरह के आपके पास ग्राफिक कार्ड्स हों, ठीक है, और सीपीयू वगैरह आपके पास इंटेल एएमडी का हो जाए। तो मेरे पास ये है i3 8th generation का, और मेरे पास RX 580 है, 8 GB कार्ड है मेरे पास। ये देखो, इसने एंड पे यहाँ पर शो किया, मतलब मेरे पास एडवांस कार्ड है, एडवांस सीपीयू है, मेरे पास पावरफुल है। तो अभी देखते हैं ये हमें कितनी अर्निंग जो सी है वो यहाँ पर हमें शो ऑफ करेगा कि आप डेली माइनिंग से कितनी मंथली अर्निंग जनरेट करोगे। ठीक है, तो ये बहुत कम होती है वैसे। अभी मेरे पास पावरफुल है तो मेरी मतलब फिर भी कुछ नॉर्मल सी होगी,
पर अगर आपके पास बिल्कुल एक ऐसा जीपीयू और सीपीयू है जिसका मतलब कि कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ये कम अर्निंग शो करेगा, और सारी माइनिंग सॉफ्टवेयर्स में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ बिटकॉइन ही माइन करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो अभी कुछ ऐसे भी मतलब के सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे नाइस हैश है, तो वो काफ़ी पॉपुलर है, उसके अलावा और भी हैं। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, BTC तो माइन कर सकते हो, उसके अलावा और भी क्रिप्टो करेंसीज एथीरियम है, रिपल है, और भी काफ़ी ज़्यादा हैं आजकल, तो उनको भी आप माइन कर सकते हो, ठीक है? तो पर ये जो सी है ये सिर्फ BTC को माइन कर सकती है। अब अच्छा, अभी ये मेरा GPU का देख रहा है, मतलब कि ग्राफिक कार्ड का देख रहा है कि ग्राफिक कार्ड से मैं कितनी अर्निंग अभी जनरेट कर पाऊंगा। तो यहाँ पर ये मेरा इसको जब कंप्लीट होगा तो मेरी यहाँ पर एवरेज निकलेगी। अभी इसने मुझे $6.26 पर मंथ का अभी इसने बताया कि इतनी कर सकते हो, अभी और मज़ीद ये ज़्यादा इसको कर देगा। अच्छा, तो इसके अलावा आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि मैं खुद वैसे माइनिंग नहीं करता, ठीक है? मैं ये सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ, आप करने को कर सकते हो, कोई मसला नहीं है इसमें। पर ये ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पर रहती है जहाँ पर आपको मतलब बिजली काफ़ी सस्ती मिल रही हो, ठीक है? क्योंकि आपको अभी एवरेज निकालनी पड़ेगी कि आपका ग्राफिक कार्ड, आपका सिस्टम कितना कितनी बिजली कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, और कितने वाट वो ले रहा है, और उसके अलावा फिर आपको एवरेज निकलेगी कि आपको बिल कितना आएगा और आपकी अर्निंग कितनी होगी। ये ना हो कि बिल ज़्यादा है आपको और अर्निंग आपकी जो सी है वो लो रहे, तो उसमें तो आपको कोई फ़ायदा भी नहीं है। सेकेंडली, ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर आपके जो सा CPU है और GPU है उनकी पावर लगेगी, और मतलब आपकी जो सी मशीन है वो भी यहाँ पर चलेगी, ठीक है? समझ सकते हो कि आपकी मशीन मतलब कि आपकी मशीन भी वर्क करेगी, आपकी मशीन भी मतलब के चलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से ग्राफिक कार्ड्स होते हैं माइनिंग के लिए, तो उन्हें लोग बाय भी नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वर्किंग में रहते हैं, ठीक है? तो ये भी एक चीज़ है, तो यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। एक मैंने आपको बताया जहाँ पर बिजली सस्ती है। सेकेंडली, आप एक ग्राफिक कार्ड से नहीं काम कर सकते, ये आप इसका सेटअप पूरा लगा सकते हैं, ठीक है? 6-6 ग्राफिक कार्ड्स की एक पूरी मतलब किट बना सकते हैं, उसमें आप कर सकते हो काम। आजकल डिवाइसेस भी आ चुकी हैं माइनिंग की, तो वो भी यूज़ कर सकते हो अगर आपने करनी हुई। पर इसमें सबसे मेन जहाँ तक मेरे ख्याल से वो ये है कि आपका बिजली, जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब उसका रेट कम हो, वहाँ पर आपको ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है? क्यों, बाहर जो से यूरोप कंट्रीज़ में ऐसे कुछ मुल्क हैं जहाँ पर बिजली सस्ती है काफ़ी, तो वहाँ पर लोग ये ज़्यादा काम कर रहे हैं। ओके, तो इसने लोडिंग जो सी है वो कंप्लीट कर ली है, ठीक है? और फाइनल रिजल्ट हमें अभी दिखाएगा। ओके, ये वॉलेट है आपका, ठीक है जी। ओके, हमने बेंचमार्क्स जो सी हैं वो कर ली हैं, ठीक है? मैं यहाँ अभी स्टार्ट नहीं मैं करने वाला, क्योंकि अभी ये क्या करेगा कि अभी फिर से एस्टिमेटेड मुझे दिखाएगा, उसके बाद ये शुरू कर देगा माइनिंग, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ इसने क्या किया है। इसने मेरा, आपने पहले देख लिया होगा रिजल्ट, तो इसने मेरा कम अज़ कम $1.70 के करीब पर मंथ जो सा वो कह रहा है कि आपका CPU, ठीक है, जो सा आपका CPU है वो देगा आपको, और सेकेंडली बाकी जितने भी बचती हैं वो आपका GPU ग्राफिक कार्ड आपका आपको देगा, ठीक है? तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि अभी मेरा CPU भी पावरफुल है, GPU भी मेरा पावरफुल है, फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा कम है। मैंने आपको बताया कि ये आपके काफ़ी ज़्यादा लगे होंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद सेटिंग है, सेटिंग में जाने के बाद ये देखो, अब ये बता रहे कि आपका GPU जो सा है वो कंफर्ट जोन में चले या हायर अर्निंग्स आप करना चाहते हो, तो इससे आपकी अर्निंग्स जो सी हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है जी। उसके अलावा ये देखो CPU फॉर अर्निंग यूज़, ये देखो 2 पे है, अभी इसको ज़्यादा करोगे तो वो और मतलब कि ज़्यादा कर देगा उसको, ठीक है? तो इसका जो सा असर है वो आपके डिवाइसेस पर भी पड़ता है, ठीक है? जो सी आपने लगाई हैं उनकी भी हालत ख़राब होती है, जाहरी बात है, अगर आप उन्हें यूज़ कर रहे हो, उनसे यूजेज ले रहे हो, तो टाइम के साथ साथ हर चीज़ जो सी है वो ख़राब होती है, ठीक है? मशीन है तो ये है, ये नहीं है कि ख़राब ही हो जाएगी बिल्कुल। मकसद कहने का ये है, जैसे आम आप मिसाल समझ लें कि कोई भी चीज़ जैसे आप चलाते जाओगे तो वो एक ना एक दिन आके उस वो ख़त्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी, ठीक है जी? तो ये है कि ये आपकी मर्ज़ी, आप कंफर्ट पे चलाना चाहते हो, ठीक है? कंफर्ट पे मिसाल जैसे कि मैं आपको देता हूँ
कि कंफर्ट पे चलो आपका ग्राफिक कार्ड 5 साल 6 साल निकाल जाएगा, और हायर अर्निंग्स पे आपका 3 साल निकाल जाएगा, पर आपको अर्निंग भी ज़्यादा दी जाएगा, ठीक है। तो बाकी तो डिपेंड है, किस्मत आपकी हुई तो काफ़ी देर भी चलते रहेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर होता है, ठीक है, माइनिंग का, और भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ से आपको कैसे जाएगी आपका, क्योंकि यहाँ पर एक अकाउंट होगा, ठीक है, तो आपके अकाउंट में ही आएगी अर्निंग, ठीक है जी। और यहाँ पर विड्रा का क्या होता है, यहाँ पर आपकी ऐड होती जाएगी, उसके अलावा मुझे लगता है इन्होंने एड्रेस भी दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये एड्रेस है आपका। तो जी यहाँ पर आपको आपकी अर्निंग आएगी, इसको आप विड्रा अपने पेपाल से भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान से हो, मोस्टली पाकिस्तान से ही मेरे सब्सक्राइबर, तो आप पे ऑनर में भी ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको गाइड करना था बिटकॉइन की माइनिंग के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो इसे लाइक लाजमी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।